और एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको मल्टी कलर मोड में चला रहा हूँ तो इस मल्टी कलर मोड का अंदर में ही मैं अगर चेज बटन को ऑन करता हूँ तो देखिए मल्टी कलर में ये चेज हो रहा है। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको स्टोव भी ओपन करता हूँ तो मल्टी कलर में स्टोव चेज तीनों काम एक साथ हो रहा है। अभी मैं इसको चेज को ऑफ करता हूँ तो देखिए मल्टी कलर में स्टोव हो रहा है। इसको डाउन करता हूँ तो ओनली मल्टी कलर। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेज गियर्स। स्टेज गियर्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे मिनी पर्ल 1024 डीएमएक्स कंट्रोलर में एक एलईडी पार को कैसे पैच फाइल से एज अ फिक्सर लोड किया जाता है, और उसी के साथ एज अ फिक्सर इस एलईडी पार को लोड करने के बाद उसके अंदर कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, और प्रोग्रामिंग करने के टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, वो भी आज इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आज जो मैं एलईडी पार यूज़ कर रहा हूँ वो बिग डिपर कंपनी का LP001 मॉडल का है, और अगर आपको इस पर्टिकुलर एलईडी पार का पैच फाइल रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इस एलईडी पार को विदाउट पैच फाइल इस बोर्ड में चलाने चाहते हो एज अ डीमर पैच करके, तो उसका भी मैंने एक तो वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैं ऊपर में आई बटन में दे दे रहा हूँ। तो गाइस, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग ट्यूटोरियल्स वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो गाइस, सबसे पहले त्रिनो ग्रैंड मास्टर्स को फुल कर लीजिए, उसके बाद इसको आप शो से प्रो मोड में सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, मैं ऑलरेडी पेन ड्राइव में ये फाइल डाल के इसको मैं इंसर्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पैच में। पैच में जाने के बाद आप जाइए पैच फिक्सर। ओके, पैच फिक्सर में जाने के बाद देखिए आपको फाइल फाउंड हो चुका है पार LP54, जो कि मैंने इस एलईडी पार के लिए जो फाइल मैंने बनाया है उसमें यही वाला नेम एंटर किया था। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्टेड। देखिए अभी ये पूछ रहा है D001 में लाइन आउट ए से कौन सा फिक्सर पेज में ये सेट करे, तो मैंने ये वाला एलईडी पार को D001 सेट किया है। तो इसके लिए मैं फिक्सर पेज 1 में इसको 1 में सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एलईडी पार को मैंने D009 में एड्रेसिंग किया हूँ, और ये भी 8 चैनल ऑक्यूपाई होने के बाद D009 ही पूछ रहा है। तो मैं नेक्स्ट एलईडी पार को, मतलब ये वाला एलईडी पार को मैं 2 नंबर में सेट कर रहा हूँ, और थर्ड एलईडी पार को मैंने D017 में सेट किया, मतलब 17 में सेट किया है। तो मैं ये थर्ड वाला इस पेज में थर्ड ऑप्शन में इसको मैं थर्ड फेडर सेटअप में इसको सेट कर रहा हूँ। देखिए, चलिए पैचिंग कंप्लीटेड। अब यहाँ से आप पैच से एग्जिट कर जाइए, उसके बाद आप एक बार बोर्ड को रिफ्रेश कर लीजिए। ऑलमोस्ट आपका पैचिंग पूरा कंप्लीट। अभी मैं ये तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 तीनों एलईडी पार को एक साथ सिलेक्ट किया। फिर आता हूँ डीमर में। देखिए डिमर आ चुका है, इसको मैं फुल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मेरा जो इसमें सेट किया था रेड, देखिए ये रेड आ गया, ग्रीन आ गया, और नेक्स्ट में ब्लू वो भी आ गया। अब इस कंडीशन में मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ सीन। अभी ये पूछ रहा है कौन सा प्लेबैक फेडर में इसको ये सेट करे, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ। ओके, देखिए सेट हो चुका है, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ। देखिए ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुका है इसका। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको और एक तो प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ जो है स्टोव। ओके, और एक बार बोर्ड को मैं क्लियर कर लेता हूँ। सेम ये तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, देन देखिए मैं यहाँ से एज अ डिमर इसको ला सकता हूँ। और एक तो भी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जब ये फाइल बनाया था तब मैंने लोकेट पोजीशन सेट किया था, तो मैं ये अगर मैं ये पोजीशन बटन प्रेस करता हूँ, देखिए ऑलरेडी डिमर 255 सेट हो चुका है, आर जी दोनों ही 255 सेट हो चुका है, और ब्लू भी 255 सेट हो चुका है। ओके, तो मैं इसी कंडीशन में इसको अगर स्टॉप सेट करना चाहूँ तो मैं जाता हूँ शटर में,
बी व्हील से शटर सेट होगा, तो मैं शटर सेट करता हूँ। देखिए शटर सेट हो गया। इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ सीन। ओके, अभी यहाँ पर एक तो चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड बाय फिक्सर ही होना चाहिए, नॉट रिकॉर्ड बाय चैनल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट एलईडी पार सेट करने का टाइम मूड ऑप्शन में आपको मूड टू सिलेक्ट करना है। ओके, इससे डी ऑप्शन से मूड चेंज हो जाए। अगर आप मूड टू नहीं सिलेक्ट करोगे तो आप वाइट सेट करने के बाद जब भी आप स्टॉप करोगे, स्टॉप को काटने के बाद भी वाइट स्टॉप होता रहेगा। इसके लिए इसको मूड टू सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसका और एक भी फायदा है, वो मैं आपको सेटअप हो जाने के बाद दिखा रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी मैंने सेफ स्किन को सेट कर लिया है, अभी मैं ये नेक्स्ट ऑप्शन में स्टॉप को सेट कर रहा हूँ। देखिए स्टॉप सेट हो गया। देखिए अभी देखिए देखिए स्टॉपिंग। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं अगर कम भी करता हूँ तो ये कटआउट हो जा रहा है और ये इसमें है वाइट। ओके, अभी एक चीज़ देखिए, अभी जब मैं स्टॉप ऑन करूँगा, देखिए ये फेडर एज अ स्पीड भी काम कर रहा है। देखिए स्टॉप कितना स्लो हो रहा है। मैं जितना ऊपर करूँगा स्टॉपिंग का स्पीड बढ़ेगा, ये फुल करूँगा तभी मैंने जो स्पीड सेट किया है वो फुल स्पीड आएगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो देखिए स्टॉपिंग का स्पीड भी कम ज़्यादा हो रहा है। और इसको डाउन करने के बाद देखिए प्लेन वाइट ही आ जा रहा है। और एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रेस करता हूँ तब भी स्टॉपिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट और एक प्रोग्रामिंग करके मैं आपको इसका मल्टी कलर सेटअप कैसे आता है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, फिक्सर पेज वन सिलेक्टेड, तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप एक यहाँ से एज अ डीमर, रे डीमर फुल, आर फुल, जी फुल कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट पोजिशन में प्रेस करोगे तो ये टोटल आ जाएगा। क्योंकि मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, मैं जब इस फाइल को बनाया हूँ तब लोकेट सेक्शन में जाके मैं इसको 255 सेट कर दिया, मतलब फुल सेट कर दिया था, इसीलिए पोजीशन में फुल आ रहा है। हर एक फाइल में नहीं भी आ सकता है, तब आपको मैनुअली इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जाइए शेप में। तो अभी मैं मल्टी कलर प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ इस तीनों एलईडी पार में। आप जाइए शेप में। शेप में जाने के बाद आप जाइए प्लेबैक शेप। ओके, देन आप जाइए RGB C/CMY shape। ओके, थर्ड ऑप्शन प्रेस कीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पर रेनबो, रेनबो स्प्रेड, रेनबो इवन, ये सब ऑप्शन आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए रेनबो सेट कर रहा हूँ। देखिए मल्टी कलरिंग स्टार्टेड। ठीक है, अगर आपको इसका स्पीड कम ज़्यादा कुछ करना है, अगर इसका आपका पैटर्न चेंज करना है, तो आप शेप पैरामीटर से कर सकते हो। शेप पैरामीटर्स देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है साइज 255, मतलब फुल रेंज में है। स्पीड अभी 64 है, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, व्हील वी से चेंज करना पड़ेगा। देखिए स्पीड चेंज हो रहा है। ओके, इसको थोड़ा कम करता हूँ। नेक्स्ट देखिए रिपीट डिग्री। तो यहाँ पर तीनों एलईडी पार का मैंने डीएमएक्स कोडिंग किया है, तो अगर मैं इसका रिपीट डिग्री चेंज करूँगा तो इसका देखिए ये क्रॉस टाइप भी चेंज होगा। ठीक है, ये आप मैनुअली जब आप अपने एलईडी पार में करोगे आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा कि इफ़ेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्प्रेड, मतलब ये एज अ चेजिंग भी काम करता है। सीरियल वाइज कलर सीरियल होगा, जो पायलट में करना कुछ टफ ही हो जाता है, लेकिन इसमें वन ऑप्शन में हो जा रहा है। देखिए स्प्रेड में मैं अगर इसको वन कर सकता हूँ, टू कर सकता हूँ, तो मेरा अभी तीन एलईडी पार में इंडिविजुअल डीएमएक्स कोडिंग है, तो मैं यहाँ पर थ्री सेट कर रहा हूँ। और आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एलईडी पार कैसे प्रोसेस कर रहा है। मैं एक बार सीलिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा आ रहा है। ओके, तो अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो ये नॉर्मल रेनबो मोड में है, रिपीट डिग्री ज़ीरो है और स्प्रेड भी नन है, मतलब कुछ नहीं है, ज़ीरो है। तो मैं अभी स्प्रेड इसको वन सेट करता हूँ, देखिए इफेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। देखिए वही तीनों एलईडी बार से ये इफेक्ट आ रहा है। ओके, स्प्रेड टू में देखिए, ये है स्प्रेड टू। ठीक है, अभी देखिए तीनों एलईडी बार है, तो मैं स्प्रेड थ्री करता हूँ,
देखिए, आपको शायद ये इफेक्ट दिख रहा है सही से। देखिए ये R G B, ये पूरा जो है स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए रिटर्न बोर्ड में आते हैं। अभी इसी कंडीशन में अगर मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से एक बार एग्जिट करके शेप का मेन स्क्रीन में आ जाइए, उसके बाद सीन। देखिए फिर से पूछ रहा है कि कौन सा प्लेबैक फेडर में इसको सेट करना है। तो मैं उससे पहले मेक श्योर ये मूड को आप फिर से ज़ीरो कर दीजिए और ये रिकॉर्ड बाय फिक्सर ही रहेगा, ठीक है। सेट कर दीजिए और एक बार क्लियर कर लीजिए। अभी देखिए मल्टी कलर सेट हो गया। और अगर इसी कंडीशन में आपको स्टोव करना है तो देखिए ये जो स्टोव हो रहा है ये मल्टी कलर में हो रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं डाउन करता हूँ तो देखिए ये मल्टी कलर नॉर्मल शुरू हो जा रहा है। उसको डायरेक्ट अगर स्टोव करना है वन स्टेप से तो देखिए वन स्टेप से फुल स्पीड स्टोव, ओके। और इसको अगर आप फुल भी कर दीजिएगा जो मेन वाइट है ये, आप जब तक डाउन नहीं करोगे तब तक ये वाइट नहीं आएगा। देखिए मैं भी इसको डाउन करता हूँ, देखिए वाइट आ गया। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए फिर से मल्टी कलर आ गया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल मैं आपको एक तो चेस प्रोग्राम करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो उसके लिए सेम प्रोसेस, फिक्सर सिलेक्टेड, तीनों LED बार को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन प्रेस पोजिशन, ओके। उसके बाद शेप, शेप में जाने के बाद प्लेबैक या शेप। अभी आपको चेस सेट करने के लिए जाना पड़ेगा डीमर्स शेप, ओके, सेकंड ऑप्शन डीमर्स शेप। और सीरियल चेस सेट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको डीमर स्प्रे, डीमर पल्स 1:1, 1:2, 1:3 ऐसा बहुत ऑप्शन मिलेगा। और आपको अगर सीरियली ही करना है एक एक ऑप्शन में आपका एक एक डिज़ाइन आएगा। तो मैं आपको ये डीमर प्लस 2:1 करके दिखाता हूँ, लास्ट वाला, ओके। लास्ट वाला मैंने सिलेक्ट किया। अभी देखिए चेजिंग स्टार्टेड। अगर आपको इसका स्पीड कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप जाइए जाके स्पीड यहाँ सब इसको फास्ट कर दीजिए। ये मैं शेप पैरामीटर से कर रहा हूँ। देखिए देखिए चेजिंग फास्ट हो रहा है, ओके। और इसको सेव करने के लिए सेम प्रोसेस, यहाँ से आप एग्जिट करके शेप का मेन पेज में आ जाइए, उसके बाद सीन एक बार चेक कर लीजिए। रिकॉर्ड बाय फिक्सर है, मोड ज़ीरो है। अभी ये पूछ रहा है कौन सा प्लेबैक फेडर में इसको सेट करूँ, तो इसको मैं 4 नंबर में सेट कर रहा हूँ, ओके। इसके बाद इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। अब देखिए ठीक है, और इससे मल्टी कलर, इससे स्टोव, इससे प्लेन वाइट, ठीक है। ये मैं आपको प्लेन वाइट करके दिखाऊँ, आपको अगर सिंगल सिंगल कलर चाहिए आप सिंगल सिंगल कलर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो नीचे रहने वाला लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।